मुझे मेरे पापा से बचाने के लिए थैंक्स। ये बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम चाहे मुझसे कितना भी लड़ लो, मैं जानती हूँ यू लव मी अ लॉट, और ये रहा उसका प्रूफ। तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये तुम्हारे हाथ से कब निकला? लव लेटर जो बांध दिया था, वही तुम्हारी बीवी होगी। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर कॉफी के लिए ले जाओगी? सुरेंद्र सीबीआई में एसपी है, रामचंद्र इंस्पेक्टर है, इसका नाम गणेश है, आईबी में एसपी है, पुलके नारकोटिक्स में एसी है। प्रभु सेंट्रल एक्साइज, शिवम इनकम टैक्स और रामकुमार कस्टम्स में है। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ से मनी और ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जानते हो कॉफी आज ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? जरा गेस करो। क्योंकि आज ज्यादा ही हॉट जो है। वो इसलिए क्योंकि इसमें शुगर और दूध के साथ थोड़ा सा प्यार भी मिला हुआ है। Really? इन सब के एक होने के पीछे एक ही खास वजह है, ड्रामा के लिए इनका पैशन, जो स्कूल से शुरू होकर कॉलेज लाइफ तक जारी रहा। और इन सब लोगों का फेवरेट प्ले महाभारत है। अभी तक जितने भी प्लेज किए उनमें द्रौपदी का रोल कांता स्वामी ही करता रहा है सर। शायद कांता को अलग अलग कैरेक्टर से काफी प्रेम रहा है। नाटक की तैयारी की सारी जिम्मेदारी ये लोग आपस में बांट लेते थे। ये सब ऑफिसर्स बन चुके हैं लेकिन अभी तक बचपन की आदत नहीं गई, इसीलिए नाटक करके लोगों को लूटते हैं। अगर मैं थर्ड रो वाले लड़के का नाम लूं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ऑफिसर मारुति है। अपना मारुति? जी सर। एक और मेंबर भी है, मुरली, नई किरण का सब एडिटर। नई किरण, इन लोगों ने एक टीम बनाई, इसका कोई वैलिड प्रूफ है? हमने पूरी कोशिश की है सर, पर अभी तक एविडेंस नहीं जुटा पाए। ठीक है, सबूत मिलने तक इन्हें फॉलो करते रहो। ओके। क्या हुआ? Well, कौन? तेरा शुभचिंतक राजमोहन। तेरी आंखों में डर देख रहा हूं मैं। एक मिनट बॉम्ब लेट फटता तो तेरे चीथड़े चीथड़े उड़ जाते। तुझे वार्न कर रहा हूं, मेरे मामले में टांग मत अड़ा। अभी तो सिर्फ तूने मौत का ट्रेलर देखा है, जा दूसरा जन्म दिया तुझे, चल जा मजे ले। मेरे पापा का काम था? नहीं, इस देश का कलंक। कौन है ये? फिल्मों में डांस करती है। सिर्फ फिल्मों में करती है? बोला मेरे सामने भी करेगी। कमाल की डांसर है, जितने भी पैसे मांगेगी दे देना। सारे पुराने रिकॉर्ड्स मिले, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी, अब क्या करेंगे? सर, कांता स्वामी के खिलाफ पुख्ता वीडियो एविडेंस लाया हूं, जरा इसे देख लीजिए। इसमें कांता स्वामी ने खुद अपना कच्चा चिट्ठा खोला है। ये वो वीडियो नहीं है। ये आपको कांता स्वामी दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन वो आपके पास इसकी कोई और कॉपी है क्या? यही तो एक कॉपी थी। मुझे जान से मारेगा, अब तो शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। हमने भगवान को धोखा दिया, रक्षा करो भगवान, क्षमा करो कांता स्वामी। अब तक सर 300 फैमिलीज को हेल्प मिल चुकी है। जिस दिन 3,00,000 परिवारों को फायदा मिलेगा, मेरा सपना काफी हद तक पूरा हो चुका होगा। पब्लिक को आज तक जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें है।
इस चेहरे को पहचानते हो? उस फॉरेनर के दिए डिस्क्रिप्शन से स्केच तैयार किया है। उसे पैसे इसी शक्ल के आदमी ने दिए थे और इसकी शक्ल सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर से मिलती है। सर मैं नहीं जानता। इसे तो पहचानते होगे। मारुति मेरा क्लोज एसोसिएट। हाँ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मेरा हंसता हुआ चेहरा देखते रहोगे। अपना फोन लो और जो मैं कहूं अपने दोस्त से बिल्कुल वही कहना। सर वो अपने रूट पर जा रहा है। उसके अड्डे तक पहुंचने से पहले कोई एक्शन मत लेना। मैं उसे देख पा रहा हूं सर। वहां पहुंचते ही अरेस्ट कर लो। और हां, मुझे सारे सबूत चाहिए। सब्र कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सर हमें यहां तकरीबन 20 लाख मिले हैं। हाँ। दिस इज अवर लास्ट चांस। हम हमेशा अपनी रेड लोकेशन सीक्रेट रखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम टारगेट का नाम, उसका लोकेशन यहां डिस्क्लोज होगा। करेक्ट। There will be 40 teams. उसके 15 offices, 12 factories और घर, सब जगह एक साथ रेड करें। Are we ready? Yes, sir. जैसा मैंने पहले बताया था, यह काम भगवान का नहीं, एक इंसान का है। उस इंसान का नाम क्या है सर? हम में से ही या आप में से ही एक है। सरकारी आदेश का वेट कर रहा हूं। We are quite close. पकड़ देंगे। एक फुट से रह गया, वरना तेरा भेजा प्लेट में होता। आज तुझे जीवन दान दिया, चल फट। जब तक खामोश रहेगा तेरी सांसें चलती रहेंगी। ए, पागल हो गया क्या तू? ए, क्या कर रहा है? उस दिन मुझे ना मारने का तुझे हमेशा अफसोस रहेगा। गुड इवनिंग सर। ए, रुक जा, मेरी बात सुन। कभी सोचा नहीं था कि आपसे पूछताछ करूंगा। जानता हूं मुझे अरेस्ट करने आए हो। एक मिनट रुको, पहले अपना रेजिग्नेशन दिल्ली भेज दूं। यहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू। ये कंफर्म था कि बिना आपके सपोर्ट के वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों किया आपने? पिछले 40 सालों से सीबीआई में रहकर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। बैंक फ्रॉड, स्टैंप पेपर फ्रॉड, स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड, फॉरेन करेंसी फ्रॉड, लिस्ट इज एंडलेस।
कुछ ऑफिसर्स को लाखों रुपया देकर ये करोड़ों अरबों रुपए का केस दबा देते हैं और सीबीआई हेड होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। बहुत सारे केस रजिस्टर हुए पर अभी तक वो सारे केस चल ही रहे हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नाम पर चलने वाले ड्रग डीलिंग के केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। सालों से ये केसेस बस चल ही रहे हैं। आज पूरे देश में सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंसेस की ही रिकवरी करें तो 20,000 करोड़ मिल सकते हैं। ये रहे इसके इलीगल प्रॉपर्टीज और ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स। चिट फंड घोटाला, लोन घोटाला, जमीन घोटाला, ये सब करने वाले बड़े लोग कहलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में इंडिया का 6.5 लाख करोड़ जमा है। पूरी दुनिया में जितनी गरीब आबादी है उसका 30% इंडिया में, अमीरी गरीबी की खाई यहाँ सबसे ज्यादा है। ये शर्मनाक बात है। सिर्फ 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं मान सकते। असली आजादी तो हमें तब मिलेगी जिस दिन ऐसे लोगों को ब्लैक मनी इंडिया वापस लाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। तब हम आजाद होंगे। जब वो दिन आएगा तो सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। यहाँ के एक एक गरीब परिवार को 15-15 लाख रुपए दे पाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं कर पाते मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप सब लोग शांत हो जाइए। आप शायद नहीं जानते ये मंदिर वाले कांता स्वामी हैं। आप हमारे भगवान को नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। मैंने गरीबों का पैसा गरीबों को लौटा दिया, इसीलिए वो मुझे भगवान मानते हैं। अगर अमीर ये कर लेता तो वो भी भगवान बन जाता। उन्हें यही एहसास दिलाना चाहता था मैं कांता स्वामी बना ताकि उनका विश्वास हासिल कर सकूं। कांता स्वामी ने मेरे पति को पुलिस से छुड़वाने के लिए 60,000 रुपए दिए, पर इन्होंने नहीं दिए, मेरे भगवान कांता स्वामी ने दिए। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। मेरी मदद तो कांता स्वामी ने की थी। ये कांता स्वामी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भगवान कांता स्वामी को जानती हूँ। ये कांता स्वामी नहीं है। ये मेरे कांता स्वामी नहीं है। पता नहीं ये कौन है। ये कांता स्वामी नहीं है। क्या एक भी विक्टिम ने इनके खिलाफ गवाही दी है? ना ही किसी ने कंप्लेंट लिखवाई, ना ही कोई विटनेस मिला और ना ही कोई सबूत है। ये सच है कि पैसे लिए गए और गरीबों में बांटे गए। ये वो ब्लैक मनी है जो रेड में जब्त की गई और गरीबों में बांटी गई। एक जिम्मेदार सीबीआई ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि रेड करने के बाद पैसे सीज करके उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाए, लेकिन इस केस में उन पैसों को डिपॉजिट ना करवा के सीधे जरूरतमंदों में बांट दिया गया। गवाह और सबूत ना होने की वजह से आईपीएस कांता स्वामी पर कोई आरोप साबित नहीं होता। हालात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें शहर में पोस्टेड नहीं रखा जा सकता। कोर्ट आदेश देता है कि इनकी पोस्टिंग किसी और शहर में की जाए।